हेलो एवरीवन, सभी लोगों को राधे राधे। तो भाई लोगों, आज है कृष्ण जन्माष्टमी, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का बर्थडे। तो आज के दिन मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग व्रत रहेंगे और मार्केट जाके सजावट का, उनको मंदिर को सजाने का सारा सामान लेके आएंगे, उनका पालना बनाएंगे घर पे, उसका भी सामान लेके आएंगे। तो आज के दिन सभी आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हम लोग क्या कुछ करते हैं, अपना मंदिर वगैरह सारा आपको दिखाऊंगा मैं। गाइस, तो हम लोग ये शॉपिंग करके आ गए हैं और मैं अब फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या लेके आए हैं हम लोग मार्केट से। सजाने का सामान लेके आए हैं सारा, और ड्रेसेस वगैरह लाए हैं नैया जी की। हमारी धर्म पत्नी जी कन्हैया जी का पालना बनाने में लगी हुई है। तो ये कन्हैया जी का पालना हो गया है तैयार, और इसमें हमने अभी कन्हैया जी को बिठाल भी दिया है। अरे गाइस, शाम के टाइम हम लोग मार्केट गए थे स्वीट्स लेने, मैं काव्य अभी। तो मंदिर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर, इतनी बढ़िया सजावट कर रखी थी सारे मंदिरों में। तो हम लोगों ने सोचा लाओ कि मंदिर ही घूम लिया जाए। तो स्वीट्स लेने के बहाने वहाँ जितने मंदिर पड़े दो तीन, तो हम लोगों ने मंदिर भी घूमे। यहाँ इस मंदिर में पूरी नीचे बर्फ़ की सीनरी बिछा रखी थी, बहुत ही बढ़िया सजावट थी। पूरे में बर्फ़ पे चल के जाना था, बहुत ही बढ़िया बाबा बर्फानी वाली। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे कन्हैया जी और राधा जी के गेटअप में अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। आज तो कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कन्हैया जी और राधा जी के गेटअप में तैयार करके रखा है, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मानो मथुरा और वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रहे हों। लग ही नहीं रहा मैनपुरी में है आज। तो ये वहाँ से निकलने के बाद ये दूसरा मंदिर है, उसी मंदिर के पास में ये, यहाँ पे राधा रानी कन्हैया जी दोनों ही विराजमान हैं। अंदर से दिखाते हैं चलो आपको चल के।
और ये घर जाते समय रास्ते में एक और मंदिर पड़ा, यहाँ पे पूरे 56 भोग लगा के रखे थे कान्हा जी के सामने मंदिर में, पूरा बढ़िया सजावट कर दिया रखी है। हाँ हाँ तो गाइस 12 बजने वाला है, सिर्फ 5 मिनट कम रह गए हैं और कन्हैया जी का जन्म होने वाला है। तो मैं आपको अपने मंदिर में लेके चलता हूँ जहाँ हम लोगों ने सजावट करी है, और अब कान्हा जी का स्नान कराएंगे और करेक्ट 12 बजे उनका दूधाभिषेक और उनकी पूजा करेंगे, और अपना जो हम लोगों ने व्रत रखा है उसको भी तोड़ेंगे, कान्हा जी को भी भोग लगाएंगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं अपने चल के, जो हम लोगों ने मंदिर सजाया था, जो अरेंजमेंट किया था वो दिखाता हूँ चल के आपको। बारह बजने वाला है, सिर्फ 2 या 3 मिनट कम रह गए हैं। देखो क्या शुभ मुहूर्त है, पानी भी बरस रहा है आज इस वाली जन्माष्टमी पे, रात में कन्हैया जी के जन्म के टाइम पे। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं अब।